बच्चों, आज मैं आपके लिए ना एक रंगों भरी कहानी लेकर आई हूँ। तो क्या आप सब सुनना चाहेंगे मेरी कहानी? तो चलिए मेरे साथ। जश्न शुरू हो चुका था। बच्चे जोर शोर से बाहर धूप में रेडी थे। वो उत्सव के उत्साह का आनंद लेने के लिए सिर्फ रंगों की प्रतीक्षा कर रहे थे। इतने में अचानक से एक छोटे से लड़के ने हवा में लाल गुलाल उड़ाया। सभी बच्चों के चेहरे और बाल लाल रंग में रंग गए। होली है! वो सभी चिल्लाए और झूम झूम के नाचने लगे। होली से होली, रंगों की डोली, गाई तेरे घर लेके खुशियों की टोली। होली रे होली, रंगों की टोली, आई तेरे घर पे खुशियों की टोली। थोड़ी देर में एक लड़की पीला रंग लेकर आई और उसने सारे बच्चों को ऊपर से लेके नीचे तक पीले रंग में रंग दिया। लेकिन ये क्या, उन सभी के चेहरे नारंगी यानी ऑरेंज हो गए। ये कैसे हो गया? आश्चर्यचकित बच्चों ने अपने माता पिता से पूछा। बच्चों, तुम लोगों ने दो रंग मिलाए हैं, लाल और पीला। जब ये दो रंग मिलते हैं तो बनता है नारंगी यानी ऑरेंज कलर। अरे वाह! बच्चे ये जानकर बहुत एक्साइटेड थे। उन्हें समझ आ गया था कि जब एक रंग को दूसरे रंग में मिलाया जाता है तो वो एक नया रंग बन जाता है। अब तो वो और भी ज्यादा एक्साइटेड थे और नए रंग बनाने का उन्होंने निश्चय किया। वो गए और अपनी माँ से पिचकारियां लेकर आ गए। अब उन्होंने एक बाल्टी में पीला पानी भर लिया और दूसरी बाल्टी में नीला पानी भर लिया और दोनों को मिलाया। आपको क्या लगता है कौन सा रंग आया? हरा रंग। जी हाँ, ग्रीन कलर बन गया था। बच्चों ने ऐसा पहले कुछ नहीं देखा था। वो बहुत उत्साहित हो गए थे और उसी एक्साइटमेंट में उन्होंने एक दूसरे पर हरा रंग छिड़का। बच्चों ने जल्द ही अपने दूसरे उत्तर की तलाश शुरू कर दी थी। वो सोचने लगे कि अगर नीला रंग और लाल रंग को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, सफेद या काला। उन्होंने एक पानी के ड्रम में इसे आजमाने का सोचा। उन्होंने उस पानी के ड्रम में सबसे पहले नीला रंग डाला, उसके बाद लाल रंग डाला, फिर गोल 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 धीरे 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 पानी को हिलाया। जैसे ही पानी बैंगनी यानी पर्पल होने लगा, बच्चे हैरान रह गए। वो आश्चर्यचकित रह गए ये देखकर, ये कैसे हो गया। उत्साहित होकर वो बारी बारी से ड्रम के अंदर गए और जब कि उनके कपड़े और चेहरे बैंगनी रंग के पैटर्न में ना बन गए, तब तक वो ड्रम में डुबकी लगाते रहे। लेकिन अब वो बच्चे कुछ और ट्राई करना चाहते थे, तो उन्होंने लाल, पीला और नीला रंग मिलाया। आपको क्या लगता है कौन सा रंग बना? सोचिए सोचिए। भूरा रंग यानी ब्राउन कलर। वो सभी जोर से चिल्लाए। उन सभी ने भूरे रंग को बलून्स में भरा और फिर से होली खेलने लगे। होली रे होली, रंगों की टोली, घर आई तेरे मेरे खुशियों की टोली। होली रे होली, रंगों की टोली, आई तेरे घर पे खुशियों की टोली। बच्चों ने मनभावन धुन गाई और दोपहर होने तक जमकर होली खेलते रहे। फिर वो सभी घर गए और नहा धोकर राजाओं और रानियों की तरह दावत के लिए बैठे। लेकिन उनके दिमाग में, उनके छोटे से दिमाग में सिर्फ और सिर्फ रंगों के मिश्रण के बारे में ही चल रहा था और वही वो सब बातें भी कर रहे थे।
जल्द ही सुबह से लेकर शाम तक वो उनका पसंदीदा काम बन गया था। वो लाल, नीले और पीले रंग से खेलते और नारंगी, हरा और बैंगनी रंग बनाते, जैसे उनकी चमकीली आंखें हमेशा रंगीन आश्चर्य से भरी रहती थी, उसी तरह उन्होंने हर रंग को सफेद कागज पर उतार लिया था। होली रे होली, रंगों की टोली आई तेरे घर पे, खुशियों की टोली। होली रे होली, रंगों की टोली आई तेरे घर पे, खुशियों की टोली।